दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है और उनको कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया, तभी से उनके तेवर बहुत ही ज़्यादा गर्म नज़र आ रहे हैं। ऐसे में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा बयान दिया है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, आखिरकार मामला क्या है हम आपको बताते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जब से उनको जो है मोदी कैबिनेट के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है, ना वो खुद नहीं शामिल हुए, तब से उनके तेवर बहुत ही ज़्यादा अलग नज़र आ रहे हैं। और इसी बीच उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है मोदी सरकार को लेकर। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र की योजनाओं को बंद करने की सलाह दी है बिहार में। ये आज की सबसे बड़ी खबर दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि यह हमारा नीतिगत विचार है, हम राज्य को अपना स्कीम होनी चाहिए, यानी कि हमारी अपनी राज्य की स्कीम होनी चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा कि इस मामले को हमने वित्त आयोग के सामने रखा है और 15 जून को नई दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की बैठक में भी इसे रखेंगे। पटना में नीतीश कुमार ने कहा कि सेंट्रल स्पोर्ट्स स्कीम बंद होनी चाहिए, जिसमें राज्य सरकार को 40-50% राशि यानी कि पैसे अपने लगाने पड़ते हैं, लगानी होती है, लेकिन नाम केंद्र सरकार का होता है। अगर केंद्र को पूरे देश में कोई स्कीम चलाना हो तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होना चाहिए, जिससे राज्यों पर कोई भार ना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर विचार होना जरूरी है, अगर किसी भी योजना का नाम केंद्र प्रायोजित हो तो उसमें राज्यों से पैसा क्यों लिया जाता है। उसके बाद आपको बताना चाहता हूं, इसलिए अगर राज्यों की हिस्सेदारी होती है तो उसे राज्य प्रायोजित माना जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप नीतीश कुमार के दिए गए इस बयान से संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं, नीतीश कुमार ने कहा कि हर राज्य की अपनी अपनी प्राथमिकता होती है और सभी स्कीम को उन सभी राज्यों पर थोपना भी सही नहीं है, हर राज्य का अपना अपना स्कीम होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार में थे तब केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या को घटाने में हमारी भूमिका रही है, इस बात को हमने एनडीए के बैठकों में रखा है। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हमें आज भी इस बात पर कायम है कि हमको मिलना चाहिए। नीति आयोग की बैठक में हम यह मुद्दा रखेंगे। हमने 15वें वित्त आयोग के सामने भी यह मुद्दा उठाया था और आगे भी उठाते रहेंगे। तो आज की सबसे बड़ी खबर दोस्तों, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र के द्वारा चलाई गई स्कीम को अपने राज्य में बंद करने का यानी कि घोषणा कर दी है, यानी कि केंद्र शासित राज्यों में वो चल सकती हैं, लेकिन केंद्र की जितनी भी स्कीम्स हैं वो बिहार में जो है, जिसमें राज्य सरकार का पैसा लग रहा है, उसको वो बंद करेंगे और अपनी तरफ से स्कीम चलाएंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि नीतीश कुमार का लिया हुआ ये फैसला बिल्कुल सही है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें और इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।